नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। खबर आसपास के इस खास एपिसोड में हम पहुंचे हैं झंझारपुर प्रखंड के संत नगर पंचायत के संत नगर गांव में, और हमारे साथ जो इस समय आपको विद्यार्थी दिख रहा होगा, ये बच्चा इस समय मधुबनी में टॉपर आया है, यानी कि मधुबनी के टॉपर के यहाँ पर हम पहुंचे हैं और हम इनसे जानकारी लेंगे। इन्हें पटना भी बुलाया गया था और पटना में क्या इनसे जानकारी ली गई वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। आपको पटना भी बुलाया गया था? हाँ। पटना में किस तरह से चेक किया गया? मतलब हैंडराइटिंग बुलाया गया था, फॉर्मूला सब मैथ में पूछा गया, साइंस में डेफिनेशन सब पूछा गया। तो रिजल्ट से पहले बुलाया गया था? रिजल्ट से पहले। मैट्रिक के परीक्षा में ना केवल अंक प्राप्त किए हैं, बल्कि इतने अंक प्राप्त किए हैं जिनको सुनकर आप लोग भी आश्चर्य में हो जाएंगे। जी हाँ, संत नगर गांव के इस विद्यार्थी जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने 500 में से कितने नंबर आए आपके? 474 नंबर, यानी 500 में से 474 नंबर लेके आए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की इनकी दिनचर्या थी, क्या समय सारणी थी, किस तरह से परिवार ने इनको सपोर्ट किया और कैसे इनका पारिवारिक माहौल है, कितने घंटे पढ़ाई करते थे। बहुत सारी जानकारी हम इनसे प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी वीडियो में है आप बने रहे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हम पूछने वाले हैं। आप इस समय गवर्नमेंट में पढ़ते थे कि सरकारी स्कूल? गवर्नमेंट में पढ़ते थे कि प्राइवेट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल। क्या नाम था स्कूल? निर्धारित चौरासी समाज प्लस टू जयंती नाम से। तो शुरू से आप इसी स्कूल में पढ़ रहे थे कि पहले कहीं और पढ़ाई किया? नहीं, शुरू से नहीं पढ़ रहे थे, पहले बाहर पढ़ते थे, फिर जाके यहाँ। तो बाहर से गांव में कैसे आना हुआ? मेरा फैमिली प्रॉब्लम था इसलिए। फैमिली प्रॉब्लम। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मशीन चलाते हैं, मशीन चलाते हैं। दस बारह हजार। कितने भाई बहन हैं? दो भाई। आप सबसे बड़े हैं? जी। और गांव में खेती वगैरह? तो मैं आपको बता दूं, जहां तक हम इनसे बात कर रहे हैं, लुधियाना में इनके पिताजी काम करते हैं, मशीन चलाते हैं और इनकी तनख्वाह लगभग 10-12 हजार लगभग है। इसमें दो भाइयों का गुजर करना, परिवार में पैसे भेजना और सभी खर्चे जोड़ना आजकल के महंगाई के समय में कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और इनकी खेती भी उतनी नहीं है जिससे कि इनका अच्छी तरह से गुजर बसर हो सके। हम और भी जानकारी लेना चाहेंगे, तो आपके जो इतने अच्छे नंबर आए हैं, क्या आपने सोचा था इतने अच्छे नंबर आ पाएंगे? आपके प्लान बनाए थे, इतना एम था कि मतलब 450 प्लस आए। कैसे प्लान बनाया था? सर जैसे टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को पढ़ते थे, उसका फिर शॉर्ट नोट बनाते थे, फिर राइटिंग पर ध्यान देते थे। टॉपिक बनाते थे, राइटिंग पर ध्यान देते थे, और कुछ खास तैयारी जिस तैयारी से आपको लगता था कि मेरे इतने नंबर आ ही जाएंगे? मतलब बुक को लाइन वाइज पढ़ना, फिर उसे समझना और उसका शॉर्ट नोट बनाना, ऐसे रिवाइज करना। अच्छा सुमित, बहुत सारी ऐसी अवधारणा है कि गांव में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, शहर में बड़े बड़े स्कूल होते हैं, बड़े बड़े कोचिंग होते हैं, बड़े हाई फाई टीचर होते हैं, बड़ी सुविधाएँ होती है, तो क्या लगता है कि उन सुविधाओं से इतर आपके जो नंबर आए, गांव में किस तरह से पढ़ाई मतलब कैसे होती है? पहले था ये मतलब मुमकिन नहीं था पहले, लेकिन अब हो गया क्योंकि अब इंटरनेट सब जगह है, उससे भी हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते। आपने इंटरनेट की बात की, तो हम इंटरनेट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आजकल के ज़्यादातर बच्चे नेट का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो है बच्चे आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं और गेम खेलते हैं, YouTube, Facebook, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और बहुत तरीके से अपना समय बर्बाद करते हैं। क्या लगता है कि सोशल मीडिया का यूज़ करना या मोबाइल यूज़ करना विद्यार्थी जीवन में, खासकर मैट्रिक अंडर मैट्रिक के लिए, क्या लगता है फायदेमंद है? डिस्ट्रैक्शन नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वैसे अगर आप उसमें अच्छे से नहीं कर सकते तो उससे दूर रहना चाहिए। तो इंटरनेट अच्छा चीज़ है, उसका जैसा यूज़ करेंगे वैसा ही। तो हम अपने सभी इंटरव्यू में खासकर एक चीज जरूर पूछते हैं कि इंटरनेट हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का यही कहना है कि अगर उसे सही वे में यूज किया जाए तो बहुत फायदेमंद है, यदि उसे गलत वे में यूज किया जाए
तो बहुत ही गलत है, क्योंकि सभी चीज़ों के कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट भी होते हैं। तो आपको पारिवारिक सहयोग किस तरह से मिल रहा था? मम्मी मतलब कितने बजे जगा देती थी, आप खुद जग जाते थे, टीचर कितने घंटे पढ़ाते थे, कितने घंटे आप पढ़ते थे? मम्मी सुबह 3 बजे जगा देती। 3 बजे? हाँ, फिर आधा घंटा वॉशरूम वाशरूम होके मुँह फ्रेश होकर फिर पढ़ने बैठते थे, फिर 6 बजे से ट्यूशन रहता था, फिर स्कूल भी रहता था, शाम को भी पढ़ाई, शाम को फिर ट्यूशन बुलाते थे सर। कुल मिला के कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? एक दिन में सेल्फ स्टडी लगभग टाइम बचता था तो 4-5 घंटे हो जाते, वैसे स्कूल ट्यूशन तो कितने घंटे लग गए? लगभग आठ नौ घंटे। कहीं पर कुछ घंटों का भी फर्क पड़ता है पढ़ने लिखने पे? कई लोग बोलते हैं जितने ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी पढ़ाई होगी, ऐसा भी कुछ लगता है? नहीं, मतलब 1 घंटा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, वो 10 मिनट पढ़ते हैं फिर इधर उधर मोबाइल देख लिया, रील्स चला लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठते हैं पढ़ने के लिए तो लगातार 1-2 घंटे पढ़ना चाहिए, 1-2 घंटा कंटिन्यू, फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, मतलब बीच बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। कई लोग लगातार पढ़ते रहते हैं तो मानसिक रूप से कमजोर भी हो जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, 10-15 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है अब तो आपके मैट्रिक में काफ़ी अच्छे नंबर है, कितने परसेंट होंगे लगभग आपके टोटल? 94.8% लगभग 95%। अब क्या बनना चाहते हैं हम लोग? CS कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को क्यों चुना आपने? सर वो अच्छा है। अच्छा तो सारे है सर, उसमें मेरा रुचि ज़्यादा है, उसमें आपका रुचि आ गया। तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे नंबर आ गए और आप बोलेंगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। जिस चीज में आपकी रुचि है वो भी सब्जेक्ट आगे चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। कई बार बिना रुचि के जब हम किसी सब्जेक्ट को एक केवल आकर्षण के रूप में लेते हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर पायलट, अगर उसमें हमारी रुचि नहीं है तो निश्चित बात है कि हम उसमें ज्यादा तरक्की आगे नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है, अब क्या प्लान है? आप CS बनना चाहते हैं, CS की तैयारी कर रहे हैं, और आगे जो है उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अगली बार परीक्षा देंगे? उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि इसमें अगर अच्छा मार्क आता है तो बहुत लगता है, फिर आगे भी दिक्कत नहीं होती, आगे नहीं फिर ऐसे एडमिशन नहीं होता फिर आगे। अच्छा, आपका सफलता का मंत्र क्या रहा? एक लाइन में बताएंगे आपकी सफलता का मंत्र क्या रहा? सर एक मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए सर कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, एक दिन पक्का मतलब सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा। संत नगर पंचायत के अंतर्गत वह विद्यार्थी है जो मधुबनी में इस समय ना केवल सोशल मीडिया में बल्कि हर तरह एक आप कह सकते हैं अपने नाम का परचम लहरा रहा है। जी, गांव देहात से बच्चा निकला है और 474 नंबर लाकर वे इस समय मधुबनी टॉपर की गिनती में है। हमारे साथ उनकी माताजी भी मौजूद हैं और बच्चों के रिजल्ट में उनकी माताजी का एक बहुत अहम योगदान होता है। उस योगदान के तहत हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि नाम मिलत है अहाँ के विद्यार्थी बच्चा के इतने नीक नंबर आयल की केना लगे, केना मोन लगे बच्चा के जे नीक नंबर आयल, केना तैयारी करै छलिए, कते घंटा पढ़ाई करै छलिए, की अहाँ ओकरा खीबै पीबै छलिए कई तरीका से? 500 घंटा। और खेनाई पिनाई केना की? आमतौर पर कहै छै बच्चा सबके बेसी बादाम खियबियो, बेसी हॉर्लिक्स पियबियो तो बच्चा के दिमाग बेसी चलते, एहन तऽ कोनो चीज नहि रहै? अच्छा, और लगित रहे कि बच्चा इतने नंबर लेने आया था के बचपन से पढ़े में तेज, लेकिन तो हम कभी पढ़े ही नहीं थे, तो हम पूरा जिला टॉप पर थे पहले से, कहीं चले जिला टॉप हम बचपन से। आप तो कहे के मतलब इनका पिताजी तक लुधियाना गए थे, लेकिन अखन तक आसपास के बहुत आदमी सब वहाँ से संपर्क करे थे, बधाई देता है, कहित है कि अहाँ के बौआ कितने नंबर आए, केना लगैए लोग सबके जवाब की दी छी दे छी जवाब की? तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मधुबनी टॉपर की माता जी मौजूद है
और जिनका कहना था कि बच्चा बचपन से ही जो बच्चे होनहार होते हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं वीरवान होनहार के होते चिकने पात। तो वीरवान होनहार जो बच्चे होते हैं उनके बचपन से ही पता चल जाता है कि वो बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं। ऐसा ही इन माता जी ने भी कहा कि बचपन से ही इनके बेटे शिवम कुमार कहते थे जिला टॉप करेंगे जिला टॉप करेंगे, हालांकि अभी वो जिला टॉप कर भी चुके हैं। अच्छा आप जिला टॉप तो भाग ले आगे की प्लान से आगे की पढ़ाई की थे, हालांकि बुआ कहने आगे कंप्यूटर साइंस के पढ़ाई थे। जी वो पढ़ते से पढ़ेंगे तो आगे के पढ़ाई तो बहुत महंग हो गई तो महंगाई में मेरे के ना तक बच्चा के पिताजी तो बाहर 10-12 हजार की नौकरी करे छ तो जब नहीं है आगे तो कनी मनी खेत छी दुहा बेच कर जमीन बेच के पढ़ाते। तो देखिए मैं आपको बता दूं बिहार के बच्चों के बारे में कहा जाता है बिहार के बच्चे आपको मिलते हैं आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर सभी बच्चे मिलते हैं। बड़े शहरों में खासकर गुजरात उत्तर प्रदेश या बड़े बड़े दिल्ली बंबई मद्रास के लोग कहते हैं कि बिहारी लोग सब जगह पढ़ते हैं, लेकिन बिहारी लोगों के पढ़ने का मुख्य कारण है उनके माता पिता। इनकी माता का भी कहना है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ना चाहेगा तो जो बचे कुचे खेत है हमारे थोड़े बहुत खेत है उसे हम बेच के पढ़ाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। यही एक बिहार के बच्चों में खासियत देखी गई है और बिहार के माता पिता में खासियत देखी गई है कि अपना गरीबी से रह लेंगे लेकिन अगर अपने घर को बेचकर अपने जमीन को बेचकर भी बच्चे को पढ़ाना पड़े तो पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ लिख कर आगे पहुंचता है तो बहुत मीडियम से उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और संदेश की दवाई और आदमी सबके की संदेश दवाई अपना बच्चा लेके ना ध्यान तो देख सकते हैं सबको मिठाई बांट रही है। तो हम इस तरह की जानकारी आपको लगातार दिखाते रहते हैं, इसके लिए आप देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद जय भारत धन्यवाद। चलो बाबा से भाग ले माँ से भाग ले ठीक है। अब एक खाली फोटो जो है से हाँ सर एक बस नहीं नहीं फोटो नहीं फोटो हम ले भाई अपने से जो कि संत नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं और इनके 474 नंबर आए हैं 474 नंबर इनके आए 474 जो एग्रीगेट लगभग 94 समथिंग परसेंटेज में आता है जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज से कुछ साल पहले जब यही नंबर सीबीएसई को आते थे तो उनके लिए कॉमन बात थी और स्टेट बोर्ड के लिए खासकर बिहार उत्तर प्रदेश या जो भी स्टेट बोर्ड है वहां पर इतने परसेंट नंबर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी और एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। परंतु आजकल जिस प्रकार से पढ़ाई को एक स्वरूप दिया गया है लगातार बच्चे ज्यादा परसेंटेज नंबर ला रहे हैं। अच्छा इसमें इतने परसेंटेज नंबर आपके आ रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पकड़ आपकी किसमें ज्यादा नंबर आए? नंबर बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव में पकड़ रहना चाहिए लेकिन अगर इतने परसेंटेज लाने हैं तो सब्जेक्टिव में भी अच्छी पकड़ रहनी चाहिए। मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आपकी दोनों में अच्छी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आपकी पकड़ होनी चाहिए। हमने शिवम कुमार संत नगर के निवासी से बात की, इन्होंने सारी चीजें बताई और ये टॉपर मधुबनी में आप कह सकते हैं टॉपर में इनकी गिनती है और इनसे बात करके निश्चित रूप से जो नए आने वाले बच्चे इन्होंने भी आप बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, इस तरह वीडियो को शेयर करेंगे लाइक करेंगे और साथ साथ आप भी सफलता के मंत्रों को जरूर जानेंगे क्योंकि सफलता के जब तक आप तरीकों को नहीं जानेंगे लाइफ में आपकी सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद जय भारत जय मिथिला।